उनका अपना बॉलिंग का विश्लेषण 2.2 ओवर 22 रन 1 विकेट 88 पे 6 चंबा चैम्स। विकास नगर की टीम इस बार एक नए जोश के साथ और काफी नए खिलाड़ी के साथ इस टूर्नामेंट में आई और पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर किया और बहुत ही शानदार शॉट, लेकिन हवा में कोई खिलाड़ी उसके नीचे नजर नहीं आ रहा है। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे, दूसरा भी पूरा किया, दो रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। और मैं स्वागत करना देहरादून लॉयंस के कप्तान जितेंद्र सिंह देव आज पहुंच चुके हैं। कल से उनकी बहुत कमी महसूस हो रही थी ग्रुप में भी और ग्राउंड में भी, तो आज चूंकि ये आखिरी मैच में आए, अगर सुबह आते तो होता, लेकिन अंशु जी जा चुके हैं और कल आते तो और बहुत अच्छा लगता, क्योंकि एक जो उन्होंने मुहिम छेड़ी थी केकेआर और जीएसके की, वो सफल होती नजर आ रही थी, फूट पड़ती हुई नजर आ रही थी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और इस शानदार JPL 8 के शानदार टूर्नामेंट को कराने के लिए पूरी आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई। सर अभी 10 मिनट पहले मुझे अमन का फोन आया था और कह रहा था कि कमेंट्री नहीं हो रही है, अभी वो राजस्थान जयपुर से लाइव आपको भी देख रहा होगा और सुन रहा होगा, तो अब शायद उसे संतुष्टि हो चुकी है। तो ये मैच चल रहा है, तो अब जिक्र करते हैं, हमें कल शाम को एक मैच खेला गया था ग्रुप का दूसरा मैच, तो उस मैच में जीएसके वर्सेस रानीखेत टाइगर का मुकाबला था। तो मैं अभी उस मैच के बारे में पूछना चाहूँगा, हमारे DDL के कप्तान जयसदेव साहब यहाँ बैठे हुए हैं। सर वो कल मैच जो हुआ था उस मैच के बारे में आप कुछ। जीत पर, कल के मैच की जीत पर मैं सबसे पहले बधाई दूंगा रानीखेत टाइगर्स के जुझारू कप्तान तोमर जी को, और तोमर जी तक मेरी बात पहुंच रही हो तो तोमर जी तक, और तोमर जी ने एक बहुत जुझारू टीम बनाई है, और मुझे लगता है कल का जो मैच था GSK ऑक्यूपाइड KKR वर्सेस रानीखेत टाइगर्स, तो एक तरह से वो दबे कुचले लोगों का एक विद्रोह था। और जैसे KKR के बारे में मैं कहूँ कि KKR की टीम में जो जोश दिखाई देता था वो पूरी तरह से मुझे गायब दिखा, चाहे वो नागेंद्र की परफॉर्मेंस रही हो, नितिन की परफॉर्मेंस रही हो, फील्डिंग में भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो अंग्रेजों के टाइम में लड़ाई हुई थी विश्व युद्ध में, तो इंग्लैंड ने भारतीय सैनिक लड़ाए थे, तो वो क्या करते थे बताते हमारे गाँव में दो चार लोग अंग्रेज सेना से लड़े हुए विश्व युद्ध में, कि हम अपनी मैगजीन जाते थे और हवा में फायरिंग करके खाली करके शाम को घर के कैंप में आ जाते थे कि हमने तो आज 150 गोलियां दाग दी दुश्मन पे, और जबकि एक भी नहीं मारते थे, कहते थे हम अपना सिर झुका के बंकर से गोलियां मार के घर आया। वही हाल KKR के खिलाड़ियों के साथ हो गया है, और जो जबरन अधिग्रहण किया है, अब देखिए सुधांशु ने कल एक स्टेटमेंट दिया था, रन बनाने के लिए आदमी रखे हुए हैं, है ना, तो भाड़े के आदमियों से लड़ाई नहीं जीती जाती। और जयपाल तोमर ने कल जो तुड़ाई की है कल GSK की, उसको देख के मजा आ गया, और उनकी CR भी पुरानी लिखी जा चुकी है, तो उन्होंने एक तरह से बदला लिया अपने पूर्व कप्तान के विरुद्ध जो GSK में प्रताड़ित थे, अब वो बदला लिया गया है। तो मैं मानता हूँ कि GSK को आत्ममंथन के जो थे, और अभी भी अगर KKR एक नई टीम के रूप में खेले तो उसको 11वीं टीम के रूप में मान्यता दे दी जाए, तो मुझे लगता है KKR चैंपियन की दावेदार होगी, वरना GSK तो मुझे लगता है एक भी मैच नहीं जीत पाएगी। सर कल एक ऑफर भी आया था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कि अगर आप अभी भी शानदार शॉट, आप अगर अभी भी एक एंट्री ले ले तो KKR की टीम दोबारा री एंट्री कराना चाहती है, तो अलग होकर GSK से KKR की टीम की एंट्री को हम स्पॉन्सर करना चाहेंगे।
सर तो ये अभी चर्चा हुई हमारे केकेआर वर्सेस रानीखेत टाइगर्स के मैच की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक और जो हाई वोल्टेज मुकाबला था हल्द्वानी पैंथर और आरएसडी के बीच की। तो सर कल का मैच आपने शायद लाइव देखा होगा, उस मैच के बारे में आपके क्या विचार है? कल का मैच लाइव देखा और सबसे पहले मैं बधाई दूंगा हल्द्वानी पैंथर्स के कप्तान कटारिया जी की और उनकी टीम के जुझारू खिलाड़ी और वरिष्ठ खिलाड़ी हमारे हिमांशु वर्मा जी की, और उनकी टीम की मजबूती देखिए, दोनों की बैटिंग ही नहीं आई कल, आज भी बैटिंग नहीं आई। तो ये उन्होंने जो नए युवा खिलाड़ियों को आगे आके मौका दिया है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। मैं जीएसके के कप्तान को दिखाना चाहता हूँ कप्तानी ये होती है, आप नए नए लड़के लाइए रामनगर से, किच्छा से, खटीमा से, बागेश्वर, डीडीहाट, और उनको आप तरासिए। ये नहीं कि तरासे हुओं के ऊपर अपना चाबुक चढ़ाया और घड़सवारी शुरू कर दी। तो वो बेचारे कोलकाता केकेआर कोटद्वार नाइट राइडर्स को उन्होंने जो है बिल्ली का पट्टा बांध के वो बना दिया है, बड़ा दुख है इस बात का। और कल के मैच में मैं प्रशंसा करूंगा राय साहब ने जो कल खेला है, राय साहब ने जितना अच्छा कल खेला है उसकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। तो मुझे हमारे साथी खिलाड़ी कल हम साइड पे ध्यान ही पाए थे, नवीन साहब बता रहे थे कि साहब वो तो जीरो रन बनाया उसमें आप क्या प्रशंसा कर रहे हो। मैंने कहा जीरो तो उन्होंने बनाए नहीं थे, गेंद खराब नहीं करी इस बात की प्रशंसा कर रहा हूँ। तो राय साहब ने कल फिर भी गेंद खराब करी, इस बात के लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और एक कैच छूट गया है यहाँ पर, और इसके साथ मैं कल के मैच के लिए तारीफ करूंगा, राय साहब ने बहुत अच्छा खेल दिखाया और घर जाके उन्होंने 3 फिजियोथेरेपी के सेशन भी कराए क्योंकि एक लंबी पाली उन्होंने एक गेंद की खेली थी, तो आज इसीलिए संभवतः वो कमर के दर्द के कारण यहाँ नहीं आ पाए हैं। चौदह ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 103 रन 6 विकेट के नुकसान पे। सर मैं इस मैच में एक आपसे बात कहना चाहूंगा सीपीएस रावत साहब के बारे में। मैं देख रहा हूँ जब से वो आए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत शानदार छक्के भी लगा चुके हैं और अभी तक नाबाद खड़े हैं, और फिटनेस लेवल देखिए, रनिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। और अगर रावत साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं चाहूंगा एक बार हमारा अभिवादन स्वीकार करें। और रावत साहब तो देखिए मैं जब आ गया हूँ मैदान में तो रावत साहब आउट हो ही नहीं सकते, और जो 2 शानदार छक्के उन्होंने मारे हैं, और मेरे ख्याल से अब पारी को काफी हद तक संभाल लिया है, और यहाँ पर कुछ मध्यम गति के गेंदबाज आएंगे तो अगले 2-3 ओवरों में रावत साहब के 2-3 छक्के में दिखाई पड़ सकते हैं। यहाँ पर रावत साहब से बड़ी हिट की मांग करते हुए दर्शक, और भारी जोश है चंबा के कैंप में। देखिए ये चंबा वाले भी लगता है ब्लेंडर स्प्राइट वाले मोड में चले गए हैं और शांत बैठ गए हैं, क्या बात है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, नए खिलाड़ी चंबा की टीम में भी है लेकिन प्रदर्शन पुराने खिलाड़ियों का ही अच्छा जा रही है। अब हम एक और आज के मैच परवेज की उम्र को लेके क्या है? सर परवेज की उम्र के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? परवेज अब हमने आज देखा कि प्रभावित नहीं कर पाए हैं और लगातार बढ़ती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं रावत साहब से प्रेरणा लेनी पड़ेगी जो एक नए 22 साल के खिलाड़ी की तरह यहाँ पे मैदान में डटे हुए और लगातार सिंगल ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे इनकी पाली में अब तक 26 सिंगल ले चुके हैं दोनों मिलकर। बिल्कुल सर, तो सर आप कल के मैच के बाद एक चर्चा आज के मैच की भी की जाए, एक टीम जिन्होंने बहुत बहुत कहूँगा कि प्रैक्टिस की है, कई सेशन सुबह सुबह उन्होंने किए हैं और आज उनका पहला मैच था और सबकी निगाहें थी, पहली बार खेल रही थी टीम इस जेपीएल में, उस टीम के बारे में भी क्योंकि आप उसके सकारात्मक प्रशंसक रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे उस टीम के प्रदर्शन के बारे में? सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से माफी चाहूंगा सजवाण जी से, और ये शानदार छक्का मार दिया राव साहब ने जैसे कि हम बात कर रहे थे। अब दिन चले गए हैं परवेज के, आने वाला जेपीएल रावत साहब के नाम रहेगा, और चंबा चैंप के कप्तान का शानदार छक्का, ये तीसरा शानदार छक्का था उनका। और जैसा कि मैंने कहा था हो सकता है इस ओवर में 2 या 3 छक्के भी देखने को मिल सकते हैं, जैसा रावत साहब का एक स्टाइल है बैटिंग का, और आपको गेंद आपकी रेंज में अगर आई तो बाहर ही दिखाई पड़ेगी। और एक और शानदार शॉट, और ये बेहतरीन कैच मिस टाइम कर बैठे। पर रावत साहब
बड़ा झटका लगता हुआ लेकिन अब इनके पास हार्ड हिटर है, अभी चंबा के पास काफी बैटिंग है और रावत साहब की शानदार बैटिंग ने रनगति बनाए रखी है। अगर आने वाले 5 ओवर में 40 से 50 रन अगर बन जाते हैं तो निश्चित रूप से चंबा की जो करिश्माई गेंदबाजी है उसमें कहीं ना कहीं वाइकिंग्स उलट सकते हैं। सीपीएस रावत साहब ने 44 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए मात्र 29 गेंदों पे, 2 चौके और 3 शानदार छक्के। और मैं चंबा के खिलाड़ियों की बात कर रहा था तो कहीं ना कहीं से इनका जो डाइटिशियन है उसको इनकी डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चंबा के भी खिलाड़ियों की शिकायत काफ़ी हद तक कुमार रॉयल्स के खिलाड़ियों से मिलती है। इनका जो शाम का सेशन होता है पोस्ट मैच सेशन, वो बड़ा खतरनाक होता है। और पहले रावत साहब उसमें लीड लेते थे लेकिन अब रावत साहब ने त्याग पत्र दे दिया है वहाँ से। लेकिन अब कमान किसके हाथों में है, अब बाकी चंबा के खिलाड़ी हैं हमारे दूसरे ग्रुप में, इसलिए मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन मैं शुभकामना दूंगा सेमीफाइनल में हमारा मुकाबला उनसे हो तो। शाम के सेशन में कुछ डीडीएल के खिलाड़ी भी मुझे नजर आ रहे हैं वहाँ पे। डीडीएल की तो आप की बात करूँ तो डीडीएल में इस बार कप्तान ने और कोच ने ये रणनीति बनाई है कि सारे डीडीएल के खिलाड़ियों को, क्योंकि देखिए लायंस को तो शिकार है चाहिए, और अगर शिकार आप मतलब शिकार मतलब लायन अगर शिकार कर रहा है तो उसको और भी चीज़ें अगर चाहिए तो सब दी जाएंगी, लेकिन कब ला के देना है। आपकी बार हमारे सारे शेरों तक आवाज़ पहुंच रही है जो लाइव मैच देख रहे हैं, हमारे पास एक से एक शेर है, 24 साल का छबीला शेर हमारा अमीन नेगी, उसके बाद हमारा पुराना अनुभवी शेर जिसके मैदान में उतरते ही गेंदबाज उसकी दहाड़ से कांप जाते हैं, सुनील गुसाई। सर आपने अमन नेगी की उम्र तो बता दी 24 साल का शेर, लेकिन सुनील गुसाई के उम्र के बारे में, सुनील गुसाई की मैं फिजिकल उम्र ना बता करके मैं उसकी मानसिक उम्र बताना चाहूँगा, तो मानसिक उम्र सुनील गुसाई की अभी भी 18 साल की, एक बच्चा उनके अंदर छिपा हुआ है अभी भी, और जब कोई बेमानी अगर कर दे तो वो जैसे मैदान पर अंपायर के पीछे भागते हैं, और जैसा कि आपने पिछली बार भी देखा होगा आरएसडी की टीम से थे और चंबा से मैच चल रहा था तो उनका रौद्र रूप आप देख चुके हैं पहले भी। बिल्कुल उन्हीं की वजह से जेपीएल बंद करना पड़ा था हमें उस मैच के बाद से। वो हमारे लायंस का देखिए आक्रामकता तो लायंस का जन्मसिद्ध अधिकार है और अपने खिलाड़ियों को अपने आक्रामक होने की पूरी छूट दे रखी है। और उसके बाद मेरे पास एक से एक महारथी है संजीव, उसके अलावा सतेंद्र जो लायन है लेकिन चीते से तेज है, टाइगर से अधिक फुर्तीला है। सतेंद्र की बात करूं कलेजा उसका लायन का है, तेजी चीते की है, झपटा मारता है तो बिल्कुल ब्लैक पैंथर की तरह, और निगाहें उसकी चील की तरह शानदार, यहां पर शॉट है और ये सिक्स के लिए। सतेंद्र का नाम लिया है तो जरूर कुछ होना था, सतेंद्र का नाम खिलाड़ियों में नई ऊर्जा भर देता है। सतेंद्र जो आज मुंडन संस्कार में गए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए, नहीं तो हमारी और सतेंद्र की बात थी कि हम अपने गुलदार भाइयों का मैच देखने जरूर आते, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि हमने वादा किया था कि गुलदार का मैच हम देखने आएंगे। सर वो बात आपकी पूरी नहीं हो पाई, जिक्र चल रहा था आज के मैच का, इनकी आज के मैच में देखिए गुलदार कभी भी सामने से हमला नहीं करता है, आप उसके बारे में, मैंने कल जब से ये देखा कि ये पैंथर टाइगर लेपर्ड लायन इतने सारे यहाँ हो गए, मैंने कहा फ़र्क क्या है इसमें, तो गुलदार हमेशा दबे पांव से पीछे से हमला करता है और शिकार को इस बात का भनक भी नहीं लगती कब शिकार बन गया। तो आज पहला मैच था और निश्चित रूप से आज जैसी बैटिंग उनके सजवाण जी ने की और शानदार गगनभेदी छक्का मारा था, उसकी याद बाकी जो आरएसडी फारएसडी है इनके जेहन में होगी, वो मुझे लगता है आरएसडी वाले तो मैच देखें खेलने भी ना हिल लेपर्ड से, और जो हिल लेपर्ड है आने वाले टाइम में बाउंस बैक करेगी। और कोठियाल जी काफ़ी दुखी थे आज कि मैं उनके समर्थन में नहीं आ पाया, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कोठियाल जी से, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं इस बार उनके अच्छे खेल के लिए शुभकामना दूंगा। और कोठियाल जी ने जो चौका मारा था उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कोठियाल जी का चौका? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार शॉट था उनका, कवर में मारा था उन्होंने चौका,
अब मुझे उसका ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन और मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर समर्थकों के हिसाब से अगर कोई टीम विजेता बनाने की बात आए तो हिल लैपर्ड नंबर वन टीम होगी। और समर्थन में हो सकता है आपको यहाँ आज 250 आदमी दिखाई दे रहे थे हिल लैपर्ड के, और अगर मैच सेमीफाइनल फाइनल हो तो हो सकता है 70-72 विधायक, एक आज यूपी के विधायक भी यहाँ आ सकते हैं, इतना मादा है हमारे हिल लैपर्ड की टीम में। वो विधायक तो आज भी आ जाते हैं, लेकिन चूंकि अभी मंत्रिमंडल का गठन हो नहीं पाया है, उसके बाद ही देखिए अगले मैच तक आपको ज्यादा समर्थक यहाँ नजर आएंगे। और इस समय 16 ओवर की समाप्ति पर 120 रन 8 विकेट नुकसान पे एक शानदार चौके के साथ स्कोर 124 पर पहुंचता हुआ, और शानदार ये गहराई दिखा रहा है चंबा चैंप्स की। अच्छा, मैं यहाँ निश्चित तौर पे यहाँ पे जो खिलाड़ी रोहित पुंडीर हैं और अमित पुंडीर हैं उनकी तारीफ करूंगा। कल जो अमित पुंडीर ने शानदार शतक मारा, इसके बारे में कुछ कहना है? जी बिल्कुल, क्योंकि विकास नगर की टीम बिल्कुल एकदम नई है, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन करेगी वो टीम, और सभी मान रहे थे कि शायद इस ग्रुप में क्वालिफाई ना कर पाए, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि शायद ये पहली टीम बनेगी जो अगले चरण के लिए प्रवेश कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने नील, और जैसे हम बात करते हैं ललित सहगल की, तो देखिए ललित सहगल JPL के जो हमारा 2005 और 2007 मैक्सिमम बैच था और 2013 भी था, इन सारे बैचों में अगर देखा जाए सबसे फिट खिलाड़ी थे, और आज देखिए ललित सहगल सबसे हल्के खिलाड़ी लग रहे हैं इस टीम में, पूरी युवा चुस्त टीम है, ललित सहगल को अपना स्थान बचाना मुश्किल हो गया, तो सोचिए टीम कितनी मजबूत होगी। बिल्कुल सही बात है, आज भी कल की जीत विनिंग टीम के कई खिलाड़ी आज इस टीम ने बाहर कर दिए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम था विनोद कुमार, और आज नए खिलाड़ी एक शामिल किए हैं, मैं सिर्फ उनका पूरा नाम ना लेके कहना चाहूंगा, उनका नाम है कोहली। अब आप समझ जाइए कोहली आज विकास नगर की टीम से खेल रहे हैं। कोहली सिर्फ दाढ़ी की वजह से आपने नाम रखा है, खेल भी आपका वैसे इनका ही? नाम है कोहली, अब खेल आप देख लीजिएगा आज, अगर ये इनका नंबर आता है बैटिंग में तो शायद ही कुछ दिखाएंगे। और ये बोल्ड हुए रन गति बढ़ाने के प्रयास में, अच्छा प्रयास था लेकिन लाइन को मिस कर बैठे, 126 रन पर 9 विकेट चंबा चैंप्स के। और GSK के कप्तान निश्चित तौर पे इस मैच को ऑनलाइन देख रहे होंगे। बिल्कुल सर, कल एक और क्योंकि वो हर प्रतिद्वंदी की एक एक बॉल पे नजर रखते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने गलती करी है, एक आजाद देश को जबरन मजबूर करके जो गुलाम बनाया है उसका खामियाजा हो सकता है भुगतना पड़े। मुझे लगता है आखिरी टीम ना हो कहीं GSK इस बार अपने ग्रुप की। ऐसा सुनने में भी आया है कि कल शाम को मैच के बाद काफी विद्रोह हुआ है, काफी ग्रुप में इस तरीके के मैसेज आए हैं, ये गुप्त सूत्रों से पता चला है। मैं आपको सूत्र बताऊं, 4 रन हो सकते हैं यहाँ पर गैप में जाते हुए, 4 रन और इसके साथ एक चौका और रन गति लगातार बरकरार रखी है चंबा ने, यहाँ पर काबिले तारीफ। तो मैं आपको बताऊं गुप्त सूत्र की बात, तो जो टाटा सुमो बुक की गई थी कोटद्वार से देहरादून के लिए, जब वो रास्ते में जा रहे थे तो चिड़ियापुर में जब नाश्ता हो रहा था तो वहां पे काफी विवाद हुआ, हाथापाई की स्थिति आ गई थी, ऐसा ड्राइवर ने बताया, जो टाटा सुमो का ड्राइवर था उसको हमने सर्विलांस पे लिया हुआ था, उसने बताया अब 4 रन की मांग लेकिन आउट विकेट नहीं दिया। तो हेलो सर, कल के मैच के बाद सुनने में आया, ऐसा सूत्रों से पता चला है कि GSK और रानीखेत टाइगर के मैच के बाद काफी विवाद स्थिति पैदा हुई है GSK की टीम में, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो विवाद तो किसे छिपा नहीं, अब तो अखबार में भी आ चुका है वो, और जो सूत्र आप बता रहे हैं वो टूम की जो टाटा सुमो बुक होके आई थी देहरादून कोटद्वार से, उसका ड्राइवर था, तो उसने बताया कि आजाद टीम की मांग पे कल काफी बहस हुई चिड़ियापुर में रास्ते में नाश्ता करते समय, तो कुछ नाइट राइडर्स का कहना था हम अपनी एंट्री दोबारा कराएंगे, लेकिन जो वाइसराय जनरल हैं जिन्होंने देखिए कल कितने गंदे तरीके से अपना विकेट फेंका, और जो उन्होंने मनोबल गिराने वाली बात करी कि भाड़े के सैनिक रखे हमने रन बनाने के लिए, तो उन भाड़े के सैनिकों ने दिखा दिया कि कैसे भाड़े के सैनिक समय पर आने पर कैसे हथियार डालते हैं। तो मुझे लगता है कि ये फैसला हो चुका है कि एक नई एंट्री आएगी, और मुझे लगता है हमको GSK को हटा करके KKR की ही एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इस अंतिम समय में एक टीम और बढ़ेगी तो मैच का प्रारूप गड़बड़ाएगा,
और जीएसके पास खिलाड़ी भी नहीं बचेंगे, 3 या 4 रह जाएंगे सिर्फ। तो केकेआर की टीम को मान्यता देते हुए हमें पुनः एक नया टूर्नामेंट कराना चाहिए केकेआर को एंट्री देते हुए, मेरे मानना है जी। और उस टीम की एक और बात जो सामने आ रही है, जो उस टीम के मुख्य सदस्य हैं सुनील कुमार जी, उनकी भूमिका पे भी बड़ा वो क्या जा रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है, कोई टीम चलाने वाले कोई और ही है, तो उस बारे में कुछ। सुनील कुमार जी के बारे में मैं कहूँगा कि वो बहुत महान कप्तान हमारे जल निगम टीम के हैं, लेकिन बुझे मन से वो वहाँ पे खेल रहे हैं। और आपको बताऊं, सुनील कुमार कोटद्वार गए नहीं, उनको भेजा गया, एक साजिश के तहत कोटद्वार ट्रांसफ़र किया गया है। जीएसके के कप्तान ने चुन चुन के अपने टीम में जो लेने थे उनका ट्रांसफ़र कराया पहले कोटद्वार। और अगर आपको याद होगा, को मूल केकेआर जो आज़ाद केकेआर की टीम के कई खिलाड़ियों का ट्रांसफ़र हल्द्वानी और दाएं बाएं कर दिया गया, तो एक बड़ी साजिश के तहत ये सब हुआ है। और सुनील कुमार से मेरी चर्चा होती है अकेले दूरभाष पर, तो उनका कहना मैं खेलने का मन नहीं, बस वो बुझे मन से खेल रहे हैं। अगर उनको आज ही मौका मिलता तो हो सकता हल्द्वानी पैंथर्स वो ज्वाइन कर ले। क्या बात, एक 136 रन और 18 ओवर की समाप्ति और आखिरी विकेट यहां पर गतिमान है। ये आखिरी जोड़ी 10 रन बना चुकी है और अगर ये पूरी 12 गेंदें खेलती है तो निश्चित तौर पे स्थायित्व ये प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर जोखिम ना लेते हुए चौका निकालने का प्रयास करना चाहिए। और काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज हैं, क्रिकेट की अच्छी समझ रखते हैं, मैदान का मुआयना कर रहे हैं और मुझे लगता है गैप में ही चौका निकालने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर, कल के मैच की थोड़ी सी और चर्चा की जाए। कल जो जीएसके का मैच था उसमें कल जीएसके के नए खिलाड़ियों को मैंने देखा, बहुत ज़्यादा दबाव में दिख रहे थे। मैच शुरू होने से पहले ही ऐसा लगता था जैसे किसी ने उन पर इतना दबाव डाला है और वो परफॉर्म नहीं कर पाए। अब आपको मैं बताऊं कि कल एक उनके मुख्य गेंदबाज ने, आप उनकी स्टैटिक्स देखेंगे, 4 ओवर में 15 रन दिए और 2 विकेट लिए और वहाँ हल्ला गाड़ा हुआ कि सबसे अच्छी बॉलिंग मैंने करी, बाकी सबकी कुटाई हुई, मेरी कुटाई नहीं हुई। तो मेरा इसमें ये कहना है, अगर उनके उस तक बात पहुँच रही हो उन तक, तो जब आपने कप्तान को ही खरीदा हुआ है तो जब देखेंगे सबसे ठुस बल्लेबाज आया उस समय आप बॉल मांगते हैं, वैसे समय में आप बॉलिंग मांगते हैं जहां पर आपको पूरी उम्मीद है कि मैं यहां पर रन निकाल लूंगा या विकेट निकाल लूंगा, जबकि ज़रूरत है उनको जो मेन स्ट्राइक बैट्समैन के सामने बॉलिंग करने की। जैसे तोमर के सामने अगर बॉलिंग की होती तो शायद उन्हें पता चलता कि उनकी गेंदबाजी में क्या धार है। ₹139 रन पे टीम आउट हुई है तो टारगेट 140 रन। आयुष, मुझे लगता है कि जो विकासनगर की पूरी टीम का जो वजन होगा हिल लैपर्ड के खाली शुरू के 5 खिलाड़ियों का जोड़ के बराबर होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है?
बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है 5 नहीं, मुकाबला 2 या 3 तक ही सिमट जाएगा। 5 आपने कुछ ज़्यादा कह दिए। सर मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने देख लिया अभी तक लगभग लगभग 6-7 टीमें खेल चुकी हैं, तो अभी तक 6-7 टीमों को और बाकी 2-3 टीमों को आप जानते हैं, आपको क्या लगता है कि सेमीफाइनल की दावेदार जो 4 टीमें हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? दावेदार तो इस समय कहना बहुत मुश्किल है, हिल पैंथर्स और विकास नगर वाइकिंग्स, ये 2 तो मैं दावा कर सकता हूँ और 2 का दावा कर सकता हूँ जो नहीं पहुँचेंगी। बॉलर नेम धन सिंह, एक ओवर 6 रन, कोई विकेट नहीं। बॉलर नेम है धन सिंह। और ये हवा में है गेंद और पहले विकेट का पतन रोहित पुंडीर
आउट होकर पेवेलियन की ओर लौटते हुए। विनोद थे फील्डर, पिछले बार और यहां पर मैच संतुलित अवस्था में एक अमित पुंडीर का कैच छोड़ चुके हैं चंबा चैंप्स और पिछले मैच के शतक वीर हैं, भारी ना पड़े। और मुस्तैद पीछे पवार जी अपना शानदार कीपिंग के लिए जाने जाते हैं और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए। आज हालांकि बल्लेबाजी में रॉ नहीं दिखाई दिए, लेकिन यहां पर पार करा दिया है। एक शानदार छक्का, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आशीष पवार कल ये दोनों बल्लेबाज बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी इन्होंने। एक ने शतक मारा था और मनीष ने इनिंग शुरुआत में बहुत अच्छी खेली थी और एक जो स्टार्ट चाहिए था टीम को वो दिलाया था। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है इस समय चंबा चैंप्स के लिए। कुछ पवार जी बात करने के लिए आए हैं गेंदबाज से। और ये बेहतरीन शॉट और 6 रनों के लिए दूसरा छक्का इनके बल्ले से आता हुआ। और ये बहुत ही बड़ी विकेट कही जाएगी, बल्ले का भारी किनारा लेते हैं विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और मनीष जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे, दो शानदार
और यहाँ पर एक महंगा विकेट बहुत भारी पड़ सकता है। चंबा ने बहुत भारी सफलता हासिल की है और गेंदबाज का शानदार एक्शन। गेंदबाज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे नीलम? बहुत बढ़िया गेंदबाजी कहेंगे और मैं तारीफ करना चाहूंगा इस गेंद पर विकेट कीपर की। जैसा उन्होंने कैच पकड़ा, पहली बारी में लगा कि शायद निकल गया है, लेकिन दूसरा अटेम्प्ट उन्होंने जो ट्राई किया और बहुत शानदार कैच पकड़ा है। मुझे लगता है पवार ये कहने ही आए थे कि मनीष को आप मिडिल लेग पे मत दो और ऑफ स्टंप के बाहर दो, और उसी रणनीति पे काम किया शायद। जी बिल्कुल, तो ये मानता हूँ पवार जी का है ये बजाय, और उन्होंने सहमति भी जताई हाथ खड़े होकर के, बिल्कुल यही बात उन्होंने गेंदबाज से कही। हमारे ओसी ने इसमें माइक स्टंप पे भी रखे हुए हैं, बॉल पे भी रखे हुए हैं, तो सारी गोपनीयता यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। क्या बात हुई है खिलाड़ियों के बीच में। और यहाँ पर सीपेस राव साहब मन में बड़बड़ाते हुए थक गए यार। सीपेस राव साहब हाथ उठाइए, और अगर बात सही है तो कहीं से गोल्ड फ्लैग आ जाती बड़ी वाली तो। हाँ हाँ अच्छा, वो जो गेंदबाजी का नया नियम आया है कैच होने पर स्ट्राइक चेंज नहीं होगी, इसका क्या विचार है शर्मा जी? आपने ओसी ने क्या निर्णय लिया इस पे? सर अभी वो नियम आईसीसी ने ही अप्लाई नहीं किया है, 1 अक्टूबर के बाद से वो अप्लाई होगा। नहीं तो मेरा मानना है कि ये कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बेमानी होती है JPL में, तो अगर रन नहीं बना तो फिर से। और ये गेंदबाज की तारीफ करूंगा, बहुत अनुशासित गेंदबाज हैं और कीपर के इशारों को देख कर बॉलिंग कर रहे हैं और लाइन लेंथ में परिवर्तन भी वैसे कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मुझे अब इस मैच में सिकंजा चंबा चैंप का कस्ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनील साहब से भी मेरा निवेदन है कि कृपया थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए। ओसी के चेयरमैन साहब से अनुरोध है कि कुछ खिलाड़ियों को और कुछ कप्तानों को आपसे डिस्कस करना था। आपकी इधर काफी देर से मांग की जा रही है, डोप टेस्ट की भी मांग उठ रही है। डोप टेस्ट तो मेरे ख्याल से 3 टीम का जरूर होना चाहिए, कुमाऊं रॉयल्स और हिल लैपर्ड, और जो देहरादून लायंस है उनका तो हो सकता है उसमें आ जाए जेनेटिक में, कि इनकी तो जीन में है ही है, सुबह 6 बजे भी आ जाएगा उनका, तो इसलिए देहरादून लायंस को इससे, जैसे अरविंद है हमारे, नवीन बिस्ट है, संजीव हैं, और कुछ हमारे आयातित खिलाड़ी भी हैं जो वैसे तो अन्य टीमों में रहते हैं लेकिन सूंघते सूंघते पहुंच जाते हैं शिकार को, उसकी गंध उनकी आंखों तक। अभी सर एक बहुत गोपनीय बात पता चली है, जो ये बल्लेबाज हैं ये CPS राव साहब के रिश्तेदार हैं, तो साले हैं तो जो ये तो साले और जीजा की लड़ाई में देखिए कौन आज जीतता है। तो अब यहाँ पर शुरू हो रहा है साले वर्सेस जीजा मुकाबला, और अरविंद सजवार ने साले पे 10,000 रुपए लगा दिए हैं। अरविंद सजवार ने 10,000 रुपए वे वाइकिंग्स की टीम पे लगा दिए हैं, और ये वाइड गेंद का इशारा, और यहां पर नवीन बिस्ट ने CPS रावत पर लगा दिए 20,000 रुपए। साले का भाव 10,000, जीजा का 20,000। अरे CPS साहब सही बात है, ऐसे बाद में पिटवा दोगे कहीं? CPS साहब शर्मा जी ने कोई गलत खबर तो नहीं दे दी? खबर पक्की है सर। तो यहाँ पर 10,000 अरविंद सजवान ने दिए हैं साले साहब पे, और जीजा जी पर दिए हैं 20,000। नवीन मिस्टेक स्लोअर गेंद भाप गए थे, सिंगल लिया और साले साहब स्ट्राइक पर। उसी इस मैच पर फिक्सिंग के दृष्टि से भी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वैसे अगर फिक्सिंग करेंगे तो रावत साहब करेंगे, क्योंकि दीदी से कह दिया होगा भाई साहब ने कि जीजा अगर आज चला तो घर में भी बल्ला चलेगा आज, लेकिन आज जीजा जी ने आज पिटाई खाने का इंतजाम कर लिया है। और ये लूज गेंद नो बॉल का इशारा, बहुत रक्षात्मक यहाँ पे खेला नो बॉल का इशारा, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि वाइकिंग्स अधिक रक्षात्मक खेल रही है। आपको क्या क्या लगता है? ये फ्री हिट और छक्के की मांग, और संभवतः ये स्लोअर गेंद और छक्के के तरफ इसको पहुंचाया,
चार रन का इशारा अंपायर द्वारा, और अंपायर हमारे पैनलिस्ट हैं उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में और बहुत ही माने हुए अंपायर, और लेग अंपायरिंग और फ्रंट पे अंपायरिंग बहुत शानदार हो रही है। शर्मा जी, अंपायरिंग के स्तर के बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल सर, पिछले बार तक जिस तरीके से लोग कहते थे कि अंपायर उस स्तर के नहीं है, लेकिन उसी तो हमेशा ये का प्रयास था कि अंपायर अच्छे हो, लेकिन इस बार हमने वाइड गेज का इशारा BCCI से मान्यता प्राप्त अंपायर जो कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से। अंपायर की बात चली है तो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बहुत जैसे सरजा में हम मैच देखा करते थे, एक सकूर राणा करके अंपायर हुआ करते थे, सकूर राणा जो सचिन को गलत आउट देते थे हमेशा, वैसे यहाँ पे एक बदनाम यहाँ पे अंपायर हुआ करते थे आयुष शर्मा, उनके बारे में आपका क्या कहना है? और यहाँ शानदार छक्का, एक बदनाम अंपायर आयुष शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है? वो अभी भी अंपायर है सर, अभी क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास BCCI वाले अंपायर है तो उनका नंबर अभी नहीं आया है। और अब तो उनको संजय सिंह ने बॉन्ड करने का 2 करोड़ का ऑफर दिया हुआ है, 2 करोड़ का बॉन्ड करने का उनके फर्म के नाम से, ऐसा सुनने में आ रहा है। वो अब एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर भी है जल निगम में, तो जल निगम परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और पौड़ी में वो टेंडर उठा सकते हैं 2 करोड़ का। इस मामले की बाद में जाँच की जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। और कुमाऊं के हल्द्वानी के कप्तान ने उन्होंने सीवरेज कार्य का ठेका देने का भी यहाँ पे वादा किया है, ऐसी गुप्त सूत्र सूचना दे रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक में भी कुछ मिली भगत उनकी घुसपैठ हो गई है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए मेरा मानना है। 39 रन 2 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर की समाप्ति पे यहाँ पर अच्छा रन गति इन्होंने बढ़ा ली है और फिर से एक विनिंग ट्रैक पर दिखाई देती है विकिंग्स। और सावधानी से खेलने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक होने की ज़रूरत नहीं है। अरुण को बुला दो, यहाँ पर हिल लैपर्ड के कप्तान नवीन बिस्ट, देहरादून लायंस के कप्तान मतलब सीनियर खिलाड़ी से किसी, और यहाँ पर आवाज आई और शानदार फिर से ये विकेट में कहूँगा पवार के खाते में जोड़ा जाए, क्योंकि लगातार 6ठे स्टंप पे गेंदबाजी करने के लिए कह रहे हैं और तारीफ करूंगा गेंदबाज की जो लगातार उसी लाइन पे बॉल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, गेंदबाज की जो लेंथ है बहुत अच्छी, एक लेंथ पकड़ी हुई उन्होंने जिसका उन्हें ये अभी फल भी मिला है। लेकिन मुझे लगता है ये गेंदबाज का मुकाबला अगर RSG के ओपनर से होगा तो देखने लायक होगा नजारा, आपको क्या लगता है? पॉइंट के ऊपर से 3-4 छक्के को और पड़ेंगे ऐसे में तो? नहीं सर, वो एक्चुअली ग्रुप ऐसा है कि हमें इनके साथ खेलने का मौका शायद ही मिल पाए सेमीफाइनल की। RSG की संभावना सेमीफाइनल की सेमीफाइनल तो बहुत दूर की बात है, पहले तो लीग मैच किसी तरीके से कंप्लीट हो जाए RSG के लिए ये बड़ी बात है। नए बल्लेबाज है अमित रावत, और विकास नगर वाइकिंग्स की रीढ़ हुआ करते थे मान सिंह, वो नहीं दिखाई पड़ रहे, उनको हिल लैपर्ड ने शामिल कर लिया है। चार यहाँ पर राजेश रतूड़ी ने 5,000 रुपए लगा दिए हैं प्रदीप रावत जी पे, इस तरह से जीजा के फेवर में अभी तक 20,000 का सट्टा लग चुका है और
15,000 का सट्टा प्रदीप रावत जी पे। ये नई खोज है चंबा चैंप्स की टीम में। चंबा चैंप्स एक उम्र दराज टीम का दर्जा प्राप्त करने जा रही है। परवेज, सीपीएस रावत, विनोद पवार, शुभम कोठारी जरूर इस टीम की जान है। कहाँ है दिखाई नहीं पड़ रहे शुभम कोठारी, आज उन्हें मौका नहीं मिला है। वो आज हिलेपड़ में भी खेल सकते थे लेकिन वहां भी मौका नहीं मिला उन्हें। तो ये तो अन्याय है मेरा मानना है कि इतने बहुमुखी प्रतिभा के खिलाड़ी के साथ अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे ये काफी पीड़ादायक है। मुझे लगता है एक टीम और बनानी चाहिए। आपके क्या कि आजाद टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी उनके लिए आरएसडी के दरवाजे खुले हैं। आरएसडी में सबके लिए दरवाजे खुले हैं अगर कोई आना चाहे तो। लेकिन दरवाजे के आगे एक पहरेदार रणेंद्र राम का खड़ा है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। ओसी के चेयरमैन साहब से अनुरोध है कि कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए, कुछ शेड्यूल के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं ही लैपर्ट्स के कप्तान, क्योंकि 9 और 10 तारीख को जो कुछ गुलदारों की सभा होनी है उसमें गुलदारों का नया राष्ट्रपति चुना जाना है, उस पर चर्चा के लिए बुलाना चाह रहे हो। चाहते हैं उनका मैच 3 तारीख को कर दिया जाए, 9 वाला और 10 वाला 14 को कर दिया जाए। तो कृपया शेड्यूल के साथ यहाँ पर आना चाहेंगे ओसी के चेयरमैन सुनील कुमार, जो भारी मन से इस समय जीएसके की टीम से जुड़े हुए हैं। सर टीम से मतलब उनका लगाव धीरे धीरे इतना खत्म है कि वो सुन भी नहीं रहे बातों को किसी की। नहीं, मैंने कल स्टैटिस्टिक्स देखी, 2 ओवर में 21 रन। अपने जो आंकड़े हैं वो सुनील कुमार की प्रतिभा से न्याय नहीं करते, लेकिन जब कप्तान वाइसराय जनरल ने आंख दिखाकर कहा बॉलिंग करो तो करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि उनके पास अच्छा विकल्प ये था कि वो विकास नगर टीम से जुड़ जाते और कप्तान भी बन जाते। नहीं, वो हमारे तो स्टार प्लेयर हैं, अभी हमारे लायंस के दरवाजे खुले हुए, सीने से तो लाए नहीं है वो। वैसे ये काफी वाइड गेंद, यहाँ पर तारीफ करेंगे चंबा चैंप्स के कीपर की जो एक दीवार की तरह कीपिंग करते हैं। और इस बारे में मैं कहूँगा हमारे देहरादून लायंस की टीम में कीपर नहीं मिल पा रहा है, अगर कोई बढ़िया कीपर हो तो ट्रायल लेने के लिए हम तैयार हैं अभी। बिल्कुल सर, वही कमी पूरी हो जाएगी। सुनील कुमार साहब जो है वो बहुत अच्छे कीपर है और टीम पेजल के भी कीपर है। हाँ। तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब क्योंकि वो अभी अधीक्षण अभियंता पौड़ी के दबाव में वहाँ पर शामिल हुए हैं उस टीम में, तो किसी आदमी को मैं नहीं चाहूँगा कैरियर को दाव पर लगा के मैच खेले। और यहाँ पर शानदार स्ट्रोक और अच्छी फील्डिंग, चुस्त फील्डिंग अमित की। फील्डर नेम इंद्रराज, छाए हुए इंद्र भगवान की तरह पूरे मैदान पर। और शुभम कोठारी की फिर से कमी यहाँ पे महसूस होती हुई। हवा में है गेंद, लेकिन दो बहुत अच्छा प्रयास किया यहाँ पर, देखने में बहुत सुंदर प्रयास लगा परंतु सफलता नहीं मिली। मौके मिल रहे हैं और विकास नगर की टीम मौके दे भी रही है, लेकिन चंबा की टीम उस मौके को भुना नहीं पा रही है। यहाँ पर शुभम कोठारी होते तो निश्चित रूप से कैच होता। शुभम कोठारी को अभी वैसे फील्डिंग में लाया जा सकता है अगर मेरा मानना है कि सीपीएस रावत साहब की जगह पे फील्डिंग में लाया जा सकता है। एक छोटे से विल्स ब्रेक में वो आ सकते हैं सीपीएस रावत साहब बाहर। सीपीएस रावत साहब अगर आप छोटा सा विल्स ब्रेक लेना चाहें तो आप बाहर आ सकते हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 48 रन 48। सर भारी मन से जीएसके छोड़ने का फैसला लेना पड़ेगा आपको, दिल में भले अंदर खुशी होगी लेकिन राजेंद्र की दुविधा मैं समझ सकता हूँ। राजेंद्र जैसे खिलाड़ी कल 14 बॉल में 40 बनाए, और जो सुधांशु जो अपने आप को चाइना की वॉल के नाम से प्रसिद्ध है, कल उसमें इतना बड़ा छेद हो गया कि 25 रन नहीं बना पाए, बहुत ताज्जुब। बाइक
चार विकेट बाकी थे और 22 गेंद में 22 रन ही बन पाए, शर्मनाक। इतना तो देहरादून लायन के लास्ट वाले खिलाड़ी बना देते हैं। देखो सुनो सुनो, 20 तारीख को ना हमारा है, 20 इनका RSD से है, ठीक। पैसे नहीं, नहीं सुनो, 3 तारीख को इनका TR से करा दो, बजाय RSD का कराने के 3 तारीख इनका TR से करा दो। इनका प्लान को TR तो आई नहीं है, TR से इनका करा दो, ठीक है। RSD नौ का खेल लो गया, नौ कुछ गए इनका 10 को किससे है, अरे सुनो ना, 10 को आपका देहरादून लायन से है ना, और 9 को आप खेल ही रहे हो। 9 को हम क्या खेल लेंगे, ना 9 को 9 को खेल लेंगे। RSD KR का 3 का मैच है ना, इसको चेंज कर दो ना यार, KR का अरे आप क्या कर लो 3 का।
हेलो 61 पे 3 7.3 ओवर। और ये खेल दिया है, फील्डर वहां मौजूद है गौरव, और बॉल को रोका और केवल एक रन अमित ले पाए। अमित जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, 15 रनों के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं, लेकिन रनिंग में उन्हें दिक्कत है। शायद उन्हें, मुझे लग रहा है, रिटायरमेंट लेना, रिटायर्ड हर्ट हो जाना चाहिए। अच्छी गेंद, छेड़खानी करने की कोशिश, लेकिन भाग्यशाली रहे कि किनारा नहीं लगा। सिंगल डे है ना, 20 तारीख को। हाँ उसी पे कर रहा, आठ ओवर 62 रन 3 विकेट। गौरव है नए गेंदबाज और स्ट्राइक पे है अमित। खेला है आगे बढ़ के, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद, एक रन ही मिल पाएगा दोनों बल्लेबाजों को। रन की आवश्यकता है, 71 गेंदों का खेल शेष, मैच बहुत रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है। गौरव एक बार फिर से गेंद करेंगे प्रदीप को, फिर से स्ट्राइक पे आ गए हैं अमित। और बेहतरीन शॉट अमित के बल्ले से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अमित जिस तरीके से खेल रहे हैं, लगता है अगले मैच में उन्हें ओपन करना चाहिए। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बीट किया बल्लेबाज को। शानदार छक्का अमित के बल्ले से। विकास नगर की टीम जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, तो निश्चित रूप से सेमीफाइनल की दावेदार बनती जा रही है। अपना दावा उन्होंने पेश कर दिया है सेमीफाइनल के लिए, ग्रुप ए से। और ग्रुप बी से अभी तक हल्द्वानी पैंथर की टीम लगभग सेमीफाइनल में अपना दावा मौजूद करती हुई।
सर अगर माना जाए कि ग्रुप ए से विकास नगर, ग्रुप बी से हल्द्वानी पैंथर की टीम लगभग सेमीफाइनल की तरफ बढ़ रही है, तो जो बची हुई दो टीमें हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी दो और ऐसी टीमें हो सकती हैं जो सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं इनके अलावा? बिल्कुल अनिल, और परंतु मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि अभी काफ़ी टूर्नामेंट बाकी है, तो जो हमारा सेकेंड राउंड होगा उसमें ही मैन हमें पता लग पाएगा कि कौन सी टीम आगे जा पाएगी। हाँ, अभी फिलहाल जो मजबूत कंटेंडर हैं वो हैं विकास नगर और हल्द्वानी पैंथर्स, परंतु क्योंकि अभी हमारी कुछ जो मजबूत टीमें जैसे कुमार रॉयल्स और देहरादून लायंस अभी तक खेली नहीं है इस टूर्नामेंट में, तो जब तक वो टीमें इस टूर्नामेंट में आएंगी उसके बाद ही काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और अभी तक हाँ काफ़ी हद तक हल्द्वानी पैंथर्स और विकास नगर वाइकिंग्स काफ़ी मजबूत दावेदार हैं सेमीफाइनल के, परंतु अभी कई मजबूत टीमें आने अभी बाकी हैं इस टूर्नामेंट में, तो अभी कहना काफ़ी थोड़ा जल्दी होगा अभी। और एक बार फिर वाइड का सारा, और ये गेंद जाती बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, तो कुल ये 5 रन मिलेंगे विकास नगर व किंग्स को, तो कुल अतिरिक्त रनों पर काफ़ी कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि अब धीरे धीरे काफ़ी आगे जा पहुंची है। 79 स्कोर हो गया है विकास नगर व किंग्स का। और 61 रिक्वायर्ड इन 66 बॉल, हाँ रिक्वायर रन रेट लगभग 6 से नीचे पहुंचता हुआ, चिंता की बात होगी चंबा चैंप्स के लिए। बिल्कुल अनिल, और एक बार फिर और काफी अच्छा शॉट, और निश्चित ही 4 रन जरूर मिलेंगे शॉट पर। और ये जो भी जीजा साला का जो भी बात चल रहा था कि टूर्नामेंट में काफी आपस में टक्कर हो रही, तो अभी तक साले साहब काफी आगे चल रहे हैं जीजा जी से, और दर्शकों की तरफ से डिमांड आ रही है कि जीजा जी से गेंदबाजी कराया जाए ताकि असली मुकाबला तभी हो पाएगा। तो दर्शकों की काफी डिमांड कि जीजा जी गेंदबाजी पर आए। हाँ, हो सकता है बल्लेबाज थोड़ा रहम भी खा ले इस चक्कर में। और एक बार फिर अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग मोहम्मद परवेज के द्वारा, और ये नो बॉल, एक बार नो बॉल का सारा फिर, और ये फ्री हिट होगा। और एक बार फिर गेंदबाज तैयार, सामने है अमित, और एक बार फिर पीछे स्कूप करने का प्रयास परंतु चूके। चलिए कम से कम किसी बल्लेबाज ने कुछ नया ट्राई किया इस जेपीएल में। बिल्कुल अनिल, अभी तक देखा नहीं गया था इस प्रकार का शॉट, तो असफल जरूर हुए परंतु एक अच्छा प्रयास। एक बार फिर, और एक बार फिर अमित ने हिट करने का प्रयास, 1 रन जरूर मिलेगा। सोच सही थी अमित की, नो बॉल है, आउट तो हो नहीं सकते, तो ट्राई करना बनता था, सफल नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन कुछ अलग सोचा। इस समय पलड़ा विकास नगर का काफी भारी लगता हुआ। बिल्कुल अनिल, और बहुत जल्दी विकेट की आवश्यकता, और गुच्छों के रूप में विकेट चाहिए। अब देखिए ये हवा में है गेंद, और एक बार परवेज जरूर भाग रहे हैं परंतु 2 रनों से नहीं रोक पाएंगे, तो इस प्रकार धीरे धीरे विकास नगर वाइकिंग्स आगे बढ़ते हुए और चंबा से मैच दूर जाते हुए। लेकिन ये क्रिकेट है, कभी भी मैच का रुख पलट सकता है, इसीलिए दोनों टीमों को अंत तक सब्र से खेलना होगा। बिल्कुल अनिल, और जैसे कि कल जो दूसरा मैच यहाँ हुआ था जीएसके वर्सेस रानी के टाइगर, तो उसमें भी जीएसके एक तरह एक बार लग रही थी कि आसानी से जीत जाएगी, परंतु रानी के टाइगर ने अंतिम के ओवरों में पूरा मैच ही बदल दिया। शुरुआत के 10 ओवर में बिल्कुल लग रहा था कि मैच जीएसके का है, और वही स्थिति अभी इस मैच में भी है, परंतु जिस प्रकार गेंदबाजी हो रही है उससे ये काफी मुश्किल लगता हुआ, क्योंकि अतिरिक्त रन इस ओवर में कम से कम 4 या 5 अतिरिक्त रन आ चुके हैं, जो कि
बहुत ही नुकसानदायक रहेगा चंबा चैंप्स के लिए, क्योंकि बल्लेबाजों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आपको 6 रन प्रति ओवर से भी कम का स्कोर करना है, और आपको अगर 4 रन अतिरिक्त के मिल जाएंगे ओवर में तो बैट्समैन का प्रेशर काफ़ी रिलीज हो जाता है कि हाँ अब हम मात्र 2 रन बनाने हैं 6 गेंदों में। तो एक बार फिर अच्छा शॉट और फील्डर परवेज मौजूद, दस ओवर का खेल समाप्त। 10 ओवर में 49 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। और यहाँ दर्शकों की ओर से काफ़ी डिमांड की जा रही है कि CPS रावत जी से गेंदबाजी कराई जाए। अब देखते हैं चंबा चैंप्स क्या निर्णय लेती है। और CPS रावत ने गेंद पकड़ी है, संभवतया लग रहा है कि वो दर्शकों की डिमांड को पूरा करेंगे, क्योंकि आज काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है CPS रावत जी ने। ड्रिंक ब्रेक के बाद फिर मैच पुनः प्रारंभ होता है, और अब छोर बदला जाएगा गेंदबाजी का, क्योंकि प्रत्येक 10 ओवर के बाद छोर परिवर्तन किया जा रहा है अंपायरों के द्वारा। और 49 और रन बनाने होंगे आखिरी के 10 ओवरों में जी अनिल, और देखते हैं कि छोर परिवर्तन से क्या चंबा चैंप के भविष्य में कुछ परिवर्तन होता है या नहीं। और एक बार फिर सामने हैं अमित, और ये अच्छा गेंद आशीष पंवार के द्वारा। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है आशीष पंवार ने, और उनका ये कोटे का अंतिम ओवर है। अभी 3 ओवर में अभी तक 20 रन देकर 2 विकेट लिए हैं आशीष ने, तो अपने अंतिम ओवर में उनको विकेट जरूर लेनी पड़ेगी, तभी चंबा चैंप्स कुछ आगे जा पाएगी इस मैच में। और ये अच्छा शॉट और 4 रन के लिए, ये काफी लूज गेंद था लेग साइड में। निश्चित ही अगर ये गेंद छोड़ भी देते तो शायद संभवतया वाइड होती, परंतु एक काफी अच्छा शॉट अमित के द्वारा। एक बार फिर आशीष सामने हैं अमित, और एक बार फिर अच्छा शॉट ऑन साइड में खेला है, फील्डर मौजूद हैं, देखते हैं। और ये अच्छा 6 दशमलव मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अमित को और विकास नगर व किंग्स को। किंग्स
अब आशीष ने अपना छोर बदला है और सामने है प्रदीप रावत, और फिर लेग साइड में गेंद, और गेंद जाती हुई बाउंड्री की तरफ, मगर सुधीर काफ़ी अच्छे फील्डर और दो रन बचाए अपनी टीम के लिए। तो गेंदबाज काफ़ी दिशाहीन हो रहे हैं चंबा चैम्प्स के, इससे पहले भी देखा था कि लगातार एक्स्ट्रा के रूप में वाइड दिए जा रहे थे, और अभी भी अगर इस ओवर की दो गेंदों की बात करूँ तो अगर वो छोड़ भी देते तो संभवतया वाइड होती। एक बार फिर आशीष और सामने हैं प्रदीप रावत। और जीजा ने साले को मारने की काफी कोशिश की थी परंतु चूके। एक बार फिर आशीष, सामने हैं प्रदीप रावत, और एक बार फिर अच्छा शॉट परंतु फील्डर मौजूद हैं धन सिंह के रूप में, मात्र एक रन मिलेगा, और एक रन से काफ़ी संतुष्ट होंगे विकास नगर की टीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा रन रेट उन्हें अब चाहिए नहीं, तो अगर सिंगल डबल करके भी खेलते हैं तो आसानी से इस मैच को जीत जाएंगे। और चंबा चैम्प्स को विकेट की अति आवश्यकता, अगर चंबा चैम्प को वापसी करनी है तो विकेट लेने होंगे, और अभी गुच्छों के रूप में लेने होंगे क्योंकि काफ़ी कम स्कोर अब उनके पास बचा हुआ है। बिल्कुल, कम से कम दो से तीन विकेट आने वाले एक दो ओवर के अंदर लेने पड़ेंगे। बिल्कुल अनिल, और अब उनके अनुभवी गेंदबाज विनोद कुमार आए हैं, देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। और हल्के हाथों से खेला प्रदीप ने और एक रन चुराया, तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कहूँगा मैं खासकर प्रदीप के द्वारा, कि क्योंकि अमित अच्छा हिट कर रहे हैं तो वो सिंगल डबल करके स्ट्राइक दे रहे हैं अमित को, जो कि अभी वक्त की आवश्यकता है। और ये अच्छी गेंद थी परंतु फिर भी इसमें एक रन जरूर मिलेगा विकेट कीपर के हाथों से छिटकी। एक बार फिर विनोद, सामने हैं प्रदीप रावत, और ये अच्छा शॉट मारा, देखते हैं, और ये कैच, काफ़ी अच्छा कैच धन सिंह के द्वारा, तो अच्छी गेंदबाजी, और ये बहुत समय की आवश्यकता थी चंबा चैम्प्स के लिए, क्योंकि वरना मैच उनके हाथ से लगभग निकलता जा रहा है। इसी प्रकार अगर दो विकेट और कम से कम ले लें तो काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं मैच को। और अब जीजा जी काफ़ी रिलैक्स होंगे कि क्योंकि साले साहब अब आउट होके जा रहे हैं। सीपीएस साहब के चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं, और धन सिंह पे बहुत नाराज होंगे, कैच क्यों पकड़ा, क्योंकि 50 रन बनाने का वादा किया था उन्होंने कि साले साहब को बनाने देंगे, लेकिन यहाँ पर कैच पकड़ने पे धन सिंह को अब थर्ड मैन पे लाएंगे लगता है अगले ओवर में, और मुझे लगता है अब थर्ड मैन पर नजर आएंगे इसके अगले ओवर में धन सिंह। फिर से हवा में, देखना है कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं है, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। रियाज के बल्ले से आते ही ये चौका निकलता हुआ, आप
शानदार चौका। रावत साहब नाराज कि साले का चौका छोड़ना था औरों का नहीं, गलत बात। लेकिन रावत साहब की जितनी तारीफ की जाए कम, और यहाँ पर जरूर गौरव से इस ओवर में दो विकेट की मांग की है रावत जी ने, और देखते हैं। और ये स्टंप के सामने LBW की अपील, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी। शानदार धारदार गेंदबाजी गौरव की, और कप्तान की उनसे जो उम्मीद है उस पर देखते कितना खरा उतरते हैं। अच्छी गेंद, सावधानी से खेल दिया, प्लेस किया है एक रन के लिए, संतुष्ट एक रन से। और यहां पर इसी की आवश्यकता है विकास नगर वाइकिंग्स को, कोई ज़्यादा ग्लैमर शॉट मारने की जरूरत नहीं, सिंगल से काम चल जाएगा। और लेग स्टंप पे काफ़ी गैप नज़र में आ रहा है, जैसे 5 खिलाड़ी ऑफ स्टंप पे लिए हैं और 4 लेग स्टंप में, जबकि जनरली हम ये कॉम्बिनेशन नहीं देखते हैं फील्डिंग का। तो रावत साहब को फील्ड प्लेसमेंट पे भी थोड़ा सा पवार जी से कुछ सलाह मशवरा करने की आवश्यकता है। एक सौ 115 रन 4 विकेट के नुकसान पर, अब आपको चाहिए 13 ओवर की समाप्ति पर 115 पे 4 विकेट और मात्र 25 दौड़ों की आवश्यकता, 32 गेंदें फेंकी जानी शेष, 42 गेंदें फेंकी जानी शेष। और यहाँ पर शानदार, मैं इनका फुटवर्क देख रहा हूँ, बहुत शानदार धीरे से प्लेस किया है बस, और यहाँ पर रन आउट की संभावना थी। यहाँ पर लुढ़कते लुढ़कते गेंद भी आ रही है और फील्डर भी, और गेंद पहले पहुंच गई, नहीं पहुंची है। और लुढ़कते लुढ़कते गेंद ने दम तोड़ दिया, लेकिन फील्डर चुस्त दुरुस्त पहुंचे। अब मात्र 23 रन की आवश्यकता, 21 रन के 22 रन। यहाँ पर मैच छोड़ा है, कैच नहीं छोड़ा, और ये बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई, ऑफ थ्रो, वहां पर सजग थे गौरव, रोका गेंद को, कोई अतिरिक्त रन नहीं। और अमन नेगी अगर लाइव मैच को देख रहे हो तो उनको एक निर्देश है कप्तान की तरफ से, समय दें देहरादून में। और जल्द ही सुमित आनंद साहब को फ़ोन भी किया जा सकता है कि हर सैटरडे संडे ये भाग जाते हैं कोर्ट द्वार, तो ये यहीं पे रहें और प्रैक्टिस कराएं टीम की।
नहीं तो सभी खिलाड़ियों को सुमितानंद जी का नंबर दे दिया जाएगा अमन नेगी के अटेंडेंस कराने के लिए। और शानदार कट 4 रन के लिए, जितनी तारीफ की जाए वो कम है, एक खिलाड़ी है। अमित के 50 रन पूरे यहां पर, 50 रन अमित के पूरे। इस्तकबाल किया खड़े होके पूरी जनता ने, उधर रानी के टाइगर्स भी वहां से गुर्रा गुर्रा के अपना समर्थन देते हुए। और कुछ पैंथर्स की नजर पड़ गई है इन युवा खिलाड़ियों पर। पैंथर्स के कप्तान, उप कप्तान अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं अमित जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों पर। और कटारिया जी की ये पुरानी आदत रही है नए खिलाड़ियों को संभालना, संवारना और आगे बढ़ाना। लेकिन उनके कुछ खिलाड़ी गुमाई रॉयल्स के कप्तान ने डरा धमका के अपनी टीम में शामिल कर लिए हैं, ये भी एक सच्चाई है। ये चक्राता की टीम पिछली बार पूरे टूर्नामेंट में एक मैच भी नहीं जीत पाई थी, और इसमें सबसे बड़ा कारण अनिल आपको क्या लगता है? क्योंकि पिछले बार विकास नगर की टीम जब एक भी मैच नहीं जीती तो उसका मुख्य कारण था उनका कोच, और वो कोच का पद संभाला था सुधांशु शाह जी ने। तो जहां लगी सुधांशु की नजर वहां कठिन हो गई डगर। तो देखिए जीएसके का क्या हाल कर दिया है सुधांशु ने। साहब ने गेंद थामी है लेकिन मुझे लगता है थोड़ा लेट की है, और यहां पर देखते हैं कुछ करिश्मा कर पाते हैं। शानदार गेंद टू द स्टंप पे की, सिंगल से दिख नहीं ले पाएंगे बल्लेबाज। और रावत साहब फिर से गेंदबाजी संभालेंगे, और मुझे लगता है अब कौन सी गेंद होने वाली है। मुझे लगता है स्टंप पे तेज गति की और का डाल सकते हैं सीपीएस रावत साहब। और ये स्लोअर डालने की कोशिश, इनकी स्लोअर भी 140 की गति की रहती है, लेकिन गेंद की लाइन थोड़ी गड़बड़ थी, और मुझे लगता है 155 की रफ्तार से ये इनके लेग स्टंप पे यॉर्कर पड़ने वाली है। ये देखिए हल्की सी ऑफ कटर गेंद वहाँ पर, चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी, ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने साले साहब का कैच पकड़ा था। और यहाँ पर ओवर थ्रो से 1 रन, और ये रावत साहब ने जो कैच इन्होंने पकड़ा था साले साहब का उसका बदला लिया और जानबूझ के उनका थ्रो कलेक्ट नहीं किया। सिर्फ 6 रन, छक्के की दरकार, छक्का चाहिए, और ये छक्का मार दिया है। छक्का मार के मैच खत्म किया रॉयल अंदाज में चक्राता किंग्स ने, जो विकास नगर वाइकिंग्स नाम से इस मैदान में आई है।
पवेलियन एरिया में कर लेंगे, हम भी आपके साथ सम्मिलित होंगे उसमें, क्योंकि जो हाल आपका है वही हमारा भी है। तो जैसा कि साथियों, ये आज हमारे JPL 8 का छठवां मैच खेला गया आज, चंबा चैंप्स वर्सेस विकास नगर वाइकिंग्स। चंबा चैंप्स का ये पहला मैच था इस सीजन का और विकास नगर वाइकिंग्स का ये दूसरा मैच। कल भी वो एक ज़बरदस्त जीत 108 रनों से, कल भी उन्होंने एक मैच 6 विकेट से जीता था और आज दोबारा फिर 6 विकेट से उन्होंने ये मैच जीता है। तो बहुत बहुत बधाई विकास नगर वाइकिंग्स को। तो सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगा चंबा चैंप्स के जीजाजी उर्फ कप्तान साहब को। रावत साहब, पहले तो हार्ड लकी आज का आप पहला मैच जो आपका इस सीजन का था, हार मिली, परंतु काफ़ी अच्छा आपकी टीम खेली और जिस हिसाब से आपने कहा था कि प्रैक्टिस में नहीं पर काफ़ी अच्छी टक्कर हुई और एक अच्छा गेम, तो आप आज के मैच के बारे में, अपनी टीम के बारे में और जो आपके विपक्षी टीम थी विकास नगर व किंग्स, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले जो है विपक्षी टीम के बारे में बोल लेता हूँ कि बॉलिंग जो है काफ़ी अच्छी थी और इनकी बॉलिंग की वजह से हमारे जो शुरुआती बल्लेबाज थे वो काफ़ी जल्दी आउट हुए, जिसकी वजह से जो स्कोर हमें करना चाहिए था करीब 180, 190, 170 वो हम नहीं कर पाए और उसी का खामियाजा जो है हमने बाद में भुगता। लेकिन ठीक है, हम फिर भी जो है एक समय तो ऐसा लग रहा था कि 100 भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने उसके बावजूद 139 किया है और काफ़ी अच्छा स्कोर है, फाइटिंग स्कोर था। लेकिन विकास नगर के बल्लेबाज काफ़ी अच्छे थे, समय सब आज उनका दिन था हर उसमें, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे बॉलिंग हो, सभी मैच अच्छे होते शुरू। बिल्कुल रावत जी, और जैसा कि मैं देख रहा था आपके बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी स्टार्स बल्लेबाज थे, चाहे वो मोहम्मद परवेज हों, चाहे विनोद कुमार हों, चाहे सुधीर कुमार हों। सुधीर कुमार जी के बारे में तो मैं बता दूँ कि जो आयुष क्रिकेट अकेडमी ने ये ग्राउंड बनाया, वो बनाया इसलिए है क्योंकि यहाँ पहले गन्ने के खेत थे और सुधीर कुमार जी शायद 10 या 12 छक्के उस गन्ने के खेतों में मारते थे, तो आयुष क्रिकेट अकेडमी ने ये डिसाइड किया कि नहीं, यहाँ ग्राउंड ही बना दिया जाए। तो क्या बैटिंग ऑर्डर में कुछ आपको लगा कि हाँ परिवर्तन आप कर सकते थे? बैटिंग ऑर्डर हमारा सही था, लेकिन ये है कोविड के बाद करीब 2 साल बाद सब लोग खेल रहे हैं और प्रैक्टिस में भी नहीं है, तो ये एक तरह से इस मैच को हम प्रैक्टिस मैच की तरह लेंगे और आज हमने क्या गलतियां की, कहां पे क्या लैग किया, उसको नेक्स्ट मैच में पूरा करने की कोशिश करेंगे और आई होप कि हम पहुंचेंगे सर। बिल्कुल रावत जी, आप ज़रूर पहुंचेंगे और मतलब ये आपका एक्सपेरिमेंटल था, पर इसका मतलब ये है कि आप आगे आप सोच सकते हैं कि आपके बैटिंग ऑर्डर को चेंज मिलेगा अगले मैचों में। हाँ, हो सकता है। रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, काफ़ी अच्छा खेला आप लोगों ने और खासकर आपने काफ़ी अच्छा खेला, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। और अब मैं बुलाना चाहूँगा विनिंग टीम के कप्तान ललित कुमार जी को, कृपया आएं। ललित जी, जैसा कि ये है JPL 8, JPL 7 तक जितने भी आपने सीरीज खेली हैं, लगभग शायद संभवतः एक या आध मैच कोई जीता होगा विकास नगर वाइकिंग्स आज तक, तो आपकी बार सबसे टॉप की टीम 2 में से 2 मैच जीते, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे कल के आपने कल भी चेज करा था, आज भी काफ़ी अच्छा चेज, तो क्या आप मन में, आपके दिमाग में था कि हाँ कल हमने चेज करा तो आज भी चेज ही करना है? टीम एफर्ट है और टीम के सब सोचते था। नहीं, डिसीजन जैसे माना कि आप टॉस जीते तो आप बल्लेबाजी पहले कर सकते थे, हो सकता कि आप 200 रन बनाते, तो क्या आपके दिमाग में था कि हाँ नहीं कल हमने चेज किया तो आज भी हमें चेज ही करना चाहिए? नहीं, हमने पहले डिसाइड कर रखा था हमें फील्डिंग ही लेनी है। ठीक है ललित जी, बहुत बहुत बढ़िया, और जैसा कि आपके धन्यवाद ललित जी, और आज के जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं, काफ़ी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करा है, चाहे वो विकास नगर के अमित रावत हों, इन्होंने 61 रन बनाए हैं 40 बॉलों में, सीपस रावत जी हैं 44 रन 29 बॉलों में, प्रदीप रावत 29 रन 23 गेंदों में, परंतु जो आज के मैन ऑफ द मैच रहे हैं इस मैच के, वो क्योंकि बल्लेबाजों का तो लगभग सबका प्रदर्शन बराबर रहा, परंतु जो मेन अंतर रहा वो रहा गेंदबाजी में, तो आज के मैन ऑफ द मैच है मनीष, 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट, और इनकी बल्लेबाजी में एक खास बात है, भले इन्होंने रन काफ़ी कम करें मगर
इनका स्ट्राइक रेट 400 का है, 3 गेंदों में 12 रन। तो मैं विपक्षी कप्तान रावत साहब को चाहूँगा कि वो कृपया उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड और मेडल प्रदान करने का कष्ट करेंगे। रावत जी धन्यवाद रावत जी और वेल प्लेड मनीष। मनीष तो आप स्वयं अपना आप जो भी आज के मैच के बारे में या जैसी आपकी टीम या विपक्षी टीम के बारे में कुछ कहना चाहें तो कृपया स्वयं कह सकते हैं। हमारी जो टीम का एफर्ट है काफ़ी अच्छा है, सारी स्ट्रेटजी हमने मैच से पहले ही कर ली थी कि हम हमें पहले फील्डिंग ही लेनी है अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमारा जो टीम का मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छा है जिसमें हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन सभी एक दूसरे की सुनते हैं और ये टीम एफर्ट का ही रिजल्ट है। बिल्कुल मनीष, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और वेल प्लेड। और अब आज का हमारा प्रथम चरण जो यहीं पर समाप्त होता है, अगली बार मिलेंगे अगले संडे 20 तारीख को, जो भी टीमें शायद देहरादून लायंस का मैच अगले सीजन उसमें रहेगा और कुमाऊं रॉयल्स का, तो अगली बार आप लोग सभी आमंत्रित हैं, जिनका मैच है वो तो आएंगे, जो नहीं जिनका मैच नहीं भी तो कृपया मैच का आनंद लेने आएंगे, क्योंकि जो देहरादून लायंस की टीम काफ़ी टीमों के बारे में उनके द्वारा आज कहा गया तो आप भी मजा ले सकते हैं, तो अगली बार कृपया ज़रूर 20 तारीख को आइए आप लोग। धन्यवाद, थैंक यू।